के अरमान। रूठी अरमान और अभीरा की खुशी। और नीरज की सगाई में लगा फोटोशूट का तड़का। प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान बन गए हैं अभीरा के स्टाइलिस्ट और कर रहे हैं उसका साज श्रृंगार। असल में अभीरा को लगा है झटका, क्योंकि अरमान ने फैसला कर लिया है कि वो अपने अभीरा को बचाने के लिए अभीरा की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाएगा। ऐसे में अभीरा की चेहरे की रौनक उड़ गई है। ऐसे में उसे तैयार होना है अपनी ननद की सगाई में, इसलिए अरमान उसको सजा सवार रहा है। खुशी का माहौल है, लेकिन एक तो फैमिली के साथ हमारी इक्वेशन अच्छी नहीं जा रही है, प्लस पर्सनल लाइफ में अरमान और अबीरा के इतना सब कुछ चल रहा है कि प्रेगनेंसी वाले ट्रैक से रिलेटेड अबॉर्शन और बताना और ये सब, तो काफ़ी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं दोनों। तो वो दोनों ही जोन में नहीं है खुशी मनाने की, और दोनों अबॉर्ट करना है तो अबॉर्शन वाले एकदम जोन में है, तो सदमे में है दोनों भाई। उदास तो बहुत है क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट बहन की इंगेजमेंट भी है एंड वहाँ पर भी आना है, और अगर वहाँ नहीं आते तो फिर और भी सवाल उठ जाते। और ये तो खुशी की बात है कि चारू इस घर से जाएगी, तो वो तो काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन हाँ, सब काम करने ही पड़ते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख होते हैं, यू नो एक्टिंग इंसान लाइफ में भी करता ही है ना, वही कर रहे हैं अरमान अभीरा भी यहाँ पे। भाई अभीरा का ये हाल देखकर अरमान भी बेहद दुखी है, लेकिन घर में लड़के वाले भी पहुंच गए हैं सगाई की रस्म को अदा करने के लिए। ऐसे में अपने दिल पर पत्थर रखकर और चेहरे पर झूठी स्माइल लेकर अरमान और अभीरा भी पहुंच गए हैं चारू और नीरज की सगाई में। यहां पूरा परिवार इस बात से अनजान है कि अभीरा और अरमान किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। सभी खुश हैं चारू की सगाई को लेकर। चारू और नीरज ने भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपने रिश्ते को रजामंदी दे दी है, लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बारी आई फोटोशूट की, जहां पर ना सिर्फ पूरे परिवार ने बल्कि होने वाले दूल्हा दुल्हन ने अपना फोटोशूट करवाया। थीम पिंक एंड वाइट है, एंड हमें फैमिली के साथ इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोई बाहर वाला आता है तो हम उनके सामने नहीं दिखा सकते कि हमारे फैमिली में कितने बंटवारे हैं या कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए फैमिली वालों ने हमें भी इन्वॉल्व कर लिया है इस एक फंक्शन के लिए। लेकिन डेफिनेटली हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन नीरज और उनकी फैमिली के सामने हम ये नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छा लुक है, जैसे कि आपको पता है मेरी सगाई है आज, तो ऑफकोर्स अरमान भैया को भी अच्छे से रेडी होना ही था, जैसे मैं रेडी हुई इतनी सुंदर, तो अरमान भैया भी थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही था, इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कर ही लिया। कुछ ना कुछ करते ही ये सुंदर लग जाते हैं, आप देखो भाई किसके मेरे, तभी ये डाल लिया मैंने लास्ट में बस कुछ मिला नहीं तो ऐसे ही डाल लिया, इसलिए ये तो सुंदर बहुत लग रहे हैं। इतनी बार इसने सुंदर कहा, ऐसी बहन सबको मिले।
पिंक एंड वाइट बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द स्टाइलिस्ट एंड द टीम बिकॉज वी ऑल लुक सो गुड एंड हर फंक्शन अगर आप देखें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर एवरी डे एवरी सेकेंड डे देर इज़ अ फेस्टिवल देर इज़ अ फंक्शन एंड हमें इतने अमेजिंग कपड़े यू नो पहनने को मिलते हैं एंड वो भी इन सच अ शॉर्ट नोटिस पे सीन्स यू नो इतने अच्छे अच्छे बिग बिग सीन्स कम अप सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द स्टाइलिस्ट एंड द क्रिएटिव टीम एंगेजमेंट हो गया है करवा चौथ हो गया है वीडियो कॉलिंग हो गई डेट हो गई अभी और भी डेट्स है आगे एक दो उसके बाद आई गेस वो थोड़ी सच्चाई मेरी पता चलेगी बिकॉज आई एम प्लेइंग वेरी गुड बॉय जो कि मैं इतना गुड बॉय नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ थोड़ा सा स्पॉइल्ड ब्रेड ऐसा नहीं है कि आई एम अ वेरी गुड चीटर एंड ऑल हाँ एक स्पॉइल्ड ब्रेड बच्चे होते हैं मैं वैसा हूँ बट मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ सो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आना है जिसकी वजह से शादी में पंगा हो सकता है चारू और नीरज के बाद बाकी कपल्स का भी फोटोशूट हुआ जहां पर पहले अरमान अभीरा को जाने के लिए कह दिया लेकिन रूही उनसे पहले स्टेज पर पहुंच गई ऐसे में विद्या ने चाहा कि पहले रूही और रोहित का फोटोशूट हो जाए दोनों होने वाले मम्मी पापा ने अपना फोटोशूट करवाया और फिर बारी आई अरमान और अभीरा की जहां पर कहीं न कहीं दोनों के मन में कश्मकश चल रही है और दोनों ही अपने न होने वाले उस बच्चे के लिए कहीं न कहीं अंदर से इमोशनल हो रहे हैं आना तो था ही आना तो आपको पड़ेगा ही ना क्योंकि फैमिली क्योंकि घर में फंक्शन है सो वी हैव टू कम तो थोड़ी उदासी है लेकिन हाँ सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है हंसते रहिए गाइस बस यही कहना रूही इज़ प्रेगनेंट एंड हम लोग फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और तब अबीरा भाभी और अरमान भैया दोनों देखकर हमें देखकर तो खुश हैं हमारी खुशी में वो खुशी डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अबीरा भाभी ने डिसाइड किया है कि वो अबॉर्शन वो करेंगी कि नहीं करेंगी यू नो ये एक सस्पेंस है एंड दे आर फीलिंग बैड कि उनकी जिंदगी निजी ज़िंदगी में जो हो रहा है लेकिन हमें वो पता नहीं है सो इट्स अ लॉट ऑफ एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है फॉर चारू एंड द एंटायर फैमिली लेकिन अरमान भैया और अबीरा भाभी वो लोग एक अलग ही स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वैसे बहुत जल्द अरमान और अबीरा इस गुड न्यूज को सभी घर वालों के साथ शेयर करेंगे साथ ही अरमान अबीरा के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताएगा अब देखना होगा कि अरमान के उस फैसले से क्या विद्या की नाराजगी और बढ़ जाएगी और क्या दादी साहब भी अरमान से नाराज हो जाएंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हम तो 24/7 बजाते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट